हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को किन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, खुद को हेल्दी रखने के लिए सब्जियों का सेवन करना सबसे बेस्ट और किफ़ायती ऑप्शन है। डायबिटीज़ मरीज को स्टार्च वाली सब्जियों से परहेज करना चाहिए। जैसे मेन तो है आलू। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो आलू तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास नॉन स्टार्च वाली बहुत सारी सब्जियां मौजूद हैं। ये सब्जियां ना केवल हमारी शुगर को मेंटेन करती हैं, बल्कि शरीर में फाइबर, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और तमाम शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सब्जियां बेस्ट हैं जो शुगर पेशेंट को खानी चाहिए। शुगर एक आम बीमारी हो चुकी है आजकल, बट अगर हम लोग अपने खान पान पर ध्यान दें और उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे शुगर बढ़ती है, तो हम लोग भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और शुगर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बार जिसको भी हो जाती है तो वो बनी रहती है। बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपने खान पान पर, तो ये बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और आप भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की जो सब्जी है वो है मेथी। मेथी एक बहुत ही पॉपुलर सब्जी है, इसे आप डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। मेथी का सेवन टाइप वन और टाइप टू की डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी लाभकारी सब्जी है। ये मेथी के पत्तों में हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करने की भी शक्ति होती है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। तो मेथी आप ऐसे पत्ते के रूप में भी खा सकते हैं, साग बना के, या मेथी के दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं रात में भिगो के पानी में, और सुबह इसका पानी पी सकते हैं मेथी का, और मेथी भी चबा के खा सकते हैं। इससे ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहती है और ये पानी का बॉडी में चीनी को एब्जॉर्ब भी बिल्कुल भी नहीं होने देती है, चीनी के एब्जॉर्बेशन को अवॉइड करती है। और दूसरा है फ्रेंड्स पालक। ये सब्जी फाइबर से भरपूर होती है और उसमें जानकारी के मुताबिक एक कटोरी पालक में शुगर बिल्कुल शून्य होता है, कैलोरी बहुत कम होती है और आयरन भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो शुगर पेशेंट पालक की सब्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पुदीना तीसरा है। पुदीना, पुदीना के पत्ते भी ब्लड शुगर में बहुत लाभकारी हैं। पुदीना के पत्ते एंटी ऑक्साइड होते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, और पुदीने में जो मिंट होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। पुदीना का पानी पी सकते हैं आप, चटनी बना के खा सकते हैं। और फ्रेंड्स सब्जियों में है कद्दू। कद्दू भी एक अच्छा और हेल्दी सप्लीमेंट है। डायबिटीज़ के रोगी इस सब्जी को अपने आहार में बेफिक्र होकर शामिल कर सकते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो कद्दू खाना बिल्कुल सेफ है आपके लिए। और नींबू, डायबिटीज़ों के नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे नींबू पानी पीते हैं तो आपको चीनी ना डालें, आप नमक डाल के नींबू पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा है फूल गोभी। फूल गोभी में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट की वजह से कैंसर और हृदय रोग जैसे खतरनाक बीमारियों को दूर रखती है, तो डायबिटिक पेशेंट फूल गोभी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें शुगर बहुत नील होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। और इसके अलावा है दोस्तों पत्ता गोभी। ढेर सारे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं इसमें पत्ता गोभी में। पत्ता गोभी की सब्जी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में हेल्पफुल है। इसे डायबिटीज़ की दवा भी कहा जाता है और इसमें कैलोरी नहीं होती है। जितनी ज़्यादा कैलोरी और फैट वगैरह जिन सब्जी में होता है, तो वो सब्जियां हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, तो ये कैलोरीज़ को नहीं बढ़ाती हैं। जो सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ सब कैलोरीज़ आपकी नहीं बढ़ाएंगी और विटामिन होंगे इसमें केवल। इसके अलावा ब्रोकली है, ब्रोकली की सब्जी भी आप लोगों के लिए, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दोस्तों एक है लहसुन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण में फ़ायदा करती है और इसके ब्लॉकेज को रोकती है। हृदय रोग, कैंसर और इसके अलावा बहुत सारे रोग में फ़ायदेमंद है। लहसुन टाइप 2 के शुगर पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है।
और फ्रेंड्स इसके अलावा है अदरक यानी जिंजर। अगर आप रोज़ 4 ग्राम अदरक का प्रयोग करेंगे तो डायबिटीज़ के रोगियों को ब्लड शुगर में नियंत्रण करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और इसके अलावा है प्याज, 100 ग्राम प्याज ताज़ा लें और इसको आप अगर 100 ग्राम लाल प्याज को आप डेली अपने खाने में प्रयोग करते हैं तो इससे शुगर बहुत कंट्रोल रहती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स है भिंडी, भिंडी भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। और है टमाटर, टमाटर में शुगर ज़्यादा नहीं होती है तो आप टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। शुगर पेशेंट उसको सलाद के रूप में खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं। टमाटर में विटामिन सी भी बहुत मात्रा में होता है और शुगर बहुत ही कम होता है। और इसके अलावा है करेला, करेला तो शुगर पेशेंट के लिए रामबाण दवा है। करेले को आप खाली पेट सुबह इसका रस भी निकाल के पी सकते हैं। इसे करेले के ऊपर के जो छिलका होता है उसे छील के और बेलन से ऐसे पीस के आप रस निकाल के पी सकते हैं। उससे डायबिटीज़ में आपको बहुत ही फ़ायदा होता है और ये इंसुलिन ग्लैंड को एक्टिव रखता है। तो जो भी शुगर पेशेंट हों तो वो प्लीज़ करेले का प्रयोग ज़रूर करें। करेले की सब्ज़ी भी खा सकते हैं और बैंगन भी, बैंगन भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है। और हरी बीन्स होती है, इसमें फैट नहीं होता है तो हरी बीन्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा करती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स खीरा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है और विटामिन सी भी होता है। तो आप डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं वो खीरे का प्रयोग करें, सलाद के रूप में उसको खाएँ। और इसके अलावा है फ्रेंड्स तुरई, टाइप 2 के डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तुरई बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है तो आप अपने खाने में तुरई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुरई, कभी कभार अगर आपका कुछ स्पेशल खाने का मन है तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ग्रीन वेजिटेबल पर रहेंगे उतने ही आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ आप खाएं और जो भी नुकसानदायक सब्ज़ियाँ हैं उनसे आप दूर रहें बिल्कुल। जैसे हमारा आलू है और अरबी है जिसे घुया भी बोलते हैं, कटहल है, इस टाइप के जो सब्ज़ी होती हैं जिनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है तो उन सब चीज़ों को आप परहेज करिए तो आप डायबिटीज़ होते हुए भी आपको मतलब लगेगा नहीं कि डायबिटीज़ है। जो भी डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ परहेज से ही जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा डायबिटीज़ से और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। आपकी अपनी मधु, रियल वन मधु ब्लॉगर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।